चलिए सबसे पहले मिलते हैं एस्केप लाइफ के सबसे अहम किरदार से एनी थिंग वी से अबाउट दिस टैलेंटेड मैन पॉल शॉर्ट एसोसिएट डायरेक्टर टू दिस जीनियस फिल्म मेकर मनी रत्नम स्टार ऑफ क्रिटिकली अक्लेम्ड एंड कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स अक्रॉस तमिल तेलुगु एंड हिंदी लैंग्वेजेस राइटर प्लेबैक सिंगर एंड ऑफकोर्स द गिफ्टेड एक्टर फ्रॉम रंग दे बसंती बोमरलू जिगर थंडा एंड मेनी मोर एन आर्टिस्ट हिज रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम ऑडियंस अक्रॉस इंडिया

मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ और आप में से कुछ लोग मेरे चाहने वाले होंगे जो बोल रहे हैं कि तू अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा है इसने इतना शानदार इंट्रोडक्शन तो दे रखा है तुझे बात यह है कि आप ठीक है सर ठीक है अगली बात गिरी मत बात यह है कि मेरे कई गुरुओं में से गुरु ने कहा था कि तुम जिस भी कमरे में जाते हो ना तुम्हारा जो श्रेय है वो तुम्हारे पहले वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए क्योंकि प्यार मर्यादा श्रेय इज़्ज़त जैसे भी बुला लो हर रोज़ हर कमरे में हर मंच पे और दुनिया के हर मोड़ पे बार बार कमाना पड़ता है और कमाना चाहिए भी तो जैसे कि मैंने कहा मैं एक एक्टर हूँ मैंने तमिल तेलुगू और हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये मेरी पहली बतौर लीड कैरेक्टर वेब सीरीज़ है और आज मैं इस शानदार मंच पे खड़ा हूँ क्योंकि एस्केप लाइव का मंच है ये और एस्केप लाइव का क्रिएटर जो बहुत अच्छा नाम है उसका सिद्धार्थ कुमार तिवारी उनकी वजह से हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए और ये मेरे बीस इक्कीस साल के करियर का एक बहुत बहुत खुश एक अवसर है जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं यहाँ इतने ही टैलेंटेड लोगों के साथ और उनके सामने खड़ा हूँ तो एस्केप लाइफ मैं वहाँ पे बैठ के देख रहा था जावेद सर बोल रहे थे लाइव 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 ये जो लाइव वर्ड है ना इसका मीनिंग ही चेंज हो गया यार क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जब एक कलाकार के सामने एक ऑडियंस बैठी हो तो वो लाइव कहलाता था लेकिन आज ऑडियंस के सामने कुछ भी हो रहा हो चाहे वो ऑडियंस बाथरूम में बैठा हो या गाड़ी में या फ्लाइट में उसके सामने कोई खड़ा है वो उसको देख पा रहा है वो लाइव कहलाता है तो आज मेरी ये बातें जो भी लाइव सुन रहा है जहाँ पे भी बैठकर उन सबको नमस्कार और एस्केप लाइव एक ऐसा इनिशिएटिव है एक शो है एक एफर्ट है जिसका बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज का जो इंडिया है जैसे जावेद सर ने कहा था और जो पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है इंडिविजुअल्स का ज़माना है कुछ लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि हज़ार लोग खड़े हो जाएंगे तो उसकी ताकत अलग है लेकिन नहीं आज एक आदमी अकेले खड़े होके कुछ भी कर सकता है कुछ भी देख सकता है कुछ भी खा सकता है और कुछ भी खिला सकता है तो ये आज का इंडिविजुअल कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस जिस जिस टाइम पीरियड में हम जी रहे हैं उसको ये एस्केप लाइव ना सिर्फ दर्पण बन के दिखाता है बल्कि उसी को उसका आईना दिखा के उसको याद दिलाता है कि वो कौन है And this is a show that really shows a mirror to today's India. It is made as a reflection of today's India, and I'm very proud to be a part of this show. And Nikunj, thank you so much for coming here and getting the energy of all these people up. But I promise you, I've seen some of your videos, and your fans have uh, a lot of love for you because of the way you bring energy into people's lives. Thanks a lot. Thanks so a lot. I believe this show, Escape Live, is going to energize the OTT market space. I think it's going to if not revolutionise, definitely show a different route marker in a direction for today's entertainment. And I, as an individual, as an actor, uh, am very, very proud to be part of this show. Thank you so much, Siddharth Tiwari, for uh, meeting me. Because kabi kabi ek mulaqat mein zindagi badal jati hai. और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ और मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदली है जिस दिन से हम दोनों मिले हैं तो आज ये सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की एक ढाई तीन साल की जो मतलब इसको मैं रिलेशनशिप कहूँ शादी कहूँ क्या कहें अभी काफ़ी हसीन रहा है ये मेरा अनुभव और uh, स्वस्तिक परिवार के साथ वन लाइफ स्टूडियोज़ परिवार के साथ मेरा ये पहली बार जुड़ना है और हॉटस्टार और डिजनी हॉट के साथ भी ये मेरा पहला एसोसिएशन है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी मेकिंग दिस कोलेब्रेशन और जैसे मैंने पहले कहा था मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ लेकिन अगर बम्बई में मुझे आज इतनी इज़्ज़त मिल रही है तो 20 साल में कुछ तो किया होगा सो आई एम रियली ग्लैड आई एम ह्योर एंड आई एम थैंक यू एंड आई एम रियली प्राउड टू स्टैंड विद दिस कास्ट ये एक ऐसा शो रहा है जहाँ पे किसी भी फिल्म में एक एक्टर अगर बहुत फाइट मारता है तो उसका मेन एम ये होता है कि कहीं गलती मत कर दे यार कहीं किसी के सामने फिसल मत जा गिर मत जा लेकिन ये कास्ट इतना तगड़ा है कि मेरे से सीनियर तो जावेद सर हैं उनसे मुझे डर लगता है और बाकी सब इतने एक्साइटिंग और एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट टैलेंट्स है देर आर सम रियली बिग स्टार्स आई एम कोइट टू पॉइंट एट ऑल ऑफ यू इंडिविजुअली एंड इट्स बिन माई ऑनर टू ब्रिंग माई क्राफ्ट एंड कम्पीट विथ ऑल ऑफ यू और मैं शायद ही एस्केप लाइफ का कंटेस्टेंट नहीं हूँ लेकिन कॉम्पिटिशन तो तगड़ी है बॉस सो सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यूर ब्रिलियंस एंड आई कॉन्ट वेट फॉर द वर्ल्ड टू सी वॉट दैट मैन हैज़ बीन कुकिंग अप फॉर थ्री ईयर्स एंड आई रियली वॉन्ट अ थैंक डिजनी प्लस हॉट स्टार बिकॉज

हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है इतना ही बोलना है सोशल मीडिया के बारे में लेकिन सोशल मीडिया लाइक एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंड आई एम लर्निंग एवरी डे दैट यू मस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव मैं आपको एक कहानी सुना दूँ काफ़ी लोग जानते नहीं मैं दिल्ली गाऊँ और दिल्ली में पला बड़ा हूं। मैंने कॉलेज वहीं पर ख़त्म किए और मैं खाऊँ तो मेरे अंदर एक बहुत भूखा सरदार हमेशा रहता है तो मुझे जो पंजाब का खाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है कल रात मैं और सिद्धार्थ तिवारी कुछ डेढ़ बा, साढ़े बारह एक बजे को बात कर रहे थे कि कल क्या क्या होने वाला है ये वो एज़ ऑलवेज़ उनका प्रेप थोड़ा कम पड़ गया उनको उनको और थोड़ा टाइम चाहिए था है ना श्वेता सो so, उसके बाद मैं मेरे को नींद नहीं आ रही थी मैंने कहा मैं क्या करूँ अभी तो आप यकीन मानिए मैं अपना फ़ोन उठाया मैंने डरिए मत यार ऐसा कुछ नहीं किया मैंने यूट्यूब पे गया और पंजाब में एक गांव में एक दादी डेढ़ सौ लोगों के लिए कढ़ाई पनीर बना रही थी तो मैं बैठ के वो दादी का कढ़ाई पनीर पूरा साढ़े बारह मिनट का वीडियो मैंने देखा और फिर नीचे जो कमेंट्स लिखे गए थे पंजाबी में हिंदी में जो भी कि दादी याद आ गई मेरी नानी याद आ गई मेरी वो खाना डेढ़ सौ लोग के लिए बना रही है लेकिन डेढ़ लाख डेढ़ करोड़ लोग उसे देख के सोशलाइज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया सिर्फ गाली गलोच किसी एक आ, आ, मास्क या नक्शे के पीछे छुप के गाली गलौज करना वो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया नहीं है तो सोशल मीडिया मैं समझता हूँ कि अगर एक आदमी अकेले बैठ कर किसी एक झुंड या एक भीड़ में सम, शामिल हो सकता है तो वो सोशल मीडिया है तो मैं उसे पॉजिटिवली लेके चलता हूँ और आज तक का मेरा जो 12 साल का सोशल मीडिया जर्नी है अच्छा हुआ कि लाइफ में भी ऐसा डिलीट बटन आता है

और वो आपको करोड़ों में जाके शामिल कर देता था लेकिन आज आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं और वो मुझे बहुत पावरफुल लगता है और मैं समझता हूँ कि एस्केप लाइव जैसी शो देखने के बाद जो अभी तक कंटेंट क्रिएटर नहीं रहा है वो भी कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी का मानना है दैट एवरीबडी कैन क्रिएट एवरीबडी शुड क्रिएट तो आपने एवरीबडी कैन डांस सुना है अब एवरीबडी कैन क्रिएट ए करेंगे अभी हाँ So thank you so much, guys. It's a really, really big thing for me to be among people I respect, and to get respect from those people is one of the most gratifying experiences of my life. So thank you so much for letting me be part of this show, all of you that are involved in making it. And we can't wait for you to see this, because there's a lot more to come from the world of Escape Live, Jeki. If you don't mind, can I call on all the cast oh, yeah, members? Please, please, please. they're all here uh, where are the seniors They are backstage मतलब, what's this situation सबसे पहले हमारे जो सीनियर हैं जिनको मैं कॉलेज से दूर से प्यार करता आया हूँ और एस्केप लाइव का एक बहुत सुंदर अनुभव ये रहा है कि मैंने उनके सामने उनका बॉम्बे बॉयज का गाना उनके लिए पूरा एक बार गाया था और वो मुझे My it was like oh, my you need escape to do that life again. You need to do that again before calling him. Are that so if, if I see him I get a bit scared. We're all a little nervous when we are around Javed sir. Let's do it before he comes in. <laughs> hey <Bhaski Daal. laughs> Dega? He comes and he'll come and whack me on the head.